कॉम्पैक्ट पाउडर, सेटिंग पाउडर, फिनिशिंग पाउडर, बनाना पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर, क्या डिफरेंस है इन सब में? ब्रॉडली दो तरह के पाउडर्स होते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर्स और लूज पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर कुछ ऐसा दिखता है, ये दो काम करता है, एक तो आपको कवरेज देता है और दूसरा आपका मेकअप सेट करता है। आप इसको अपने फाउंडेशन के ऊपर लगा सकते हो फॉर एक्स्ट्रा कवरेज, लुक एट दैट, या फिर आप इसको सीधा अपने मॉइस्चराइजर के ऊपर लगा सकते हो विदाउट एनी फाउंडेशन। अब दूसरा पाउडर होता है लूज पाउडर, जो कुछ ऐसा दिखता है। नाउ सेटिंग पाउडर, फिक्सिंग पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर, बनाना पाउडर, ये सब लूज पाउडर्स हैं। लूज पाउडर्स या तो व्हाइट होते हैं या हल्के से टिंटेड होते हैं, लाइक दिस वन, ये आते ही तीन चार शेड्स में। व्हाइट पाउडर सिर्फ बहुत फेयर लोगों पे सूट करता है, अगर आप मीडियम स्किन टोन हो या मीडियम टू डार्क हो तो बनाना पाउडर इज अ बेटर ऑप्शन। पाउडर बहुत छोटे पार्टिकल से बना होता है, इसलिए स्किन पर लगाते ही ये गायब हो जाता है, और इसीलिए इसको ट्रांसलूसेंट पाउडर भी बोलते हैं। ये आप अपने फाउंडेशन और कंसीलर के ऊपर लगाते हो, क्योंकि आपको कवरेज नहीं देता पर आपका मेकअप सेट करता है। बेसिकली दोनों कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज पाउडर आपका मेकअप सेट करते हैं। फर्क बस इतना है कि कॉम्पैक्ट पाउडर आपको कवरेज भी देता है, लेकिन लूज पाउडर आपको बिल्कुल कवरेज नहीं देता। फॉलो फॉर मोर टिप्स।